नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, आपने अनुरोध किया कि हे प्रभु, मकर राशि के बारे में कुछ बताते रहिए। उसी पर है भाइयों, मकर राशि वाली माताओं बहनों, आपका भाग्य किस उम्र में चमकेगा? अगर नहीं चमक रहा, कोई परेशानी है तो कौन सा उपाय करें? छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। जिन माताओं बहनों या भाइयों को परेशानी आ रही है, वैसे मैं आपको मकर राशि का विश्लेषण बताता हूं। मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं। इनको समय समय पे धन अपने आप मिलता रहता है। बिना मेहनत के मकर राशि वालों को कुछ नहीं मिलता। जब तक आप मकर राशि वाले मेहनत नहीं करेंगे कोई भी कारोबार, तब तक आपको धन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शनि देव की स्वयं की राशि है और शनि देव बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते। फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो शनि देव को मनाइए। और उनके प्रिय वर बजरंग बली जी को मनाइए। मंगलवार के दिन चोला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और जो हो सके दान दीजिए। इससे आपकी किस्मत चमक उठेगी। किस्मत छोटी मोटी नहीं, सौभाग्य होगा आपका। वैसे तो मकर राशि वाले चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। ये ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं लेकिन वहां पे पहुंचते नहीं हैं। आप मकर राशि वालों, जीवन में दिमाग आपका बहुत चलता है। ब्लूप्रिंट तो आप तैयार कर लेते हैं लेकिन उसे हकीकत में नहीं उतारते। मेरी बात माने, उन उपायों को कीजिए और जो आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसे हकीकत में लाइए। जैसे ही आप ये कार्य करेंगे, स्वयं शनिदेव आपके साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मकर राशि वाले हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया बिजनेस आइडिया चलता ही रहता है लेकिन वो करते नहीं है, थोड़े आलसी होते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मेहनत के साथ छोटे छोटे उपाय कीजिए और अपनी किस्मत को बदल लीजिए। मकर राशि वाले इनका भाग्य उदय 28, 28, 36, 40 और 55 की उम्र में होता है। थोड़ा लेट होता है लेकिन इतना धन आता है इनके पास, प्रॉपर्टी, धन, बैंक बैलेंस सब कुछ होता है इनके पास, लेकिन मेहनत से। तो भाइयों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे
तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनमें छोटे छोटे से उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। आप शनिवार के दिन गरीबों को जो आपकी श्रद्धा हो, जिसको आप दान देने में समर्थ हो, किसी भी गरीब को, लंगड़े को, भिखारी को, संत महात्मा को, जो आपकी इच्छा करे वो दान कीजिए। इस कार्य से आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और शनिवार के दिन पूजा जरूर कीजिए। दो दिन हैं। जिन मकर राशि वालों के पास अगर मकान नहीं है, मकान में कोई दिक्कत आ रही है, मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना शुरू कीजिए और लगातार कीजिए। कोई भी त्योहार है, कोई भी दिन है, मंगलवार के दिन आपने मंदिर जरूर जाना है। अगर आप ये कार्य, छोटे छोटे कार्य करेंगे तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। बाकी प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय के जाप में इतनी शक्ति है, आपको मेडिटेशन भी होगी, आपका दिमाग भी हल्का रहेगा। ये त्रिलोकी नाथ है, जिनका भाग्य नहीं बदल सकता उनका भी बदल देते हैं। इतना देते हैं कि संभाले नहीं संभलता। मेरे महादेव की पूजा कीजिए और ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जिंदगी बदल लीजिए। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत का ताला 2021 में खुलने ही वाला है। ओम नमो नारायण।